गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोमल आरएनए, आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर मींस व्हिच कैरिंग द मैसेजेस, और मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स। तो जो डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कोडोन के फॉर्म में मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब किया जाता है, देन जो कोडोन के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आएगी मैसेंजर आरएनए के अंदर उसको ट्रांसलेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज द फंक्शनल पार्ट। तो मैसेंजर आरएनए सबसे पहले जो टर्म कॉइन की थी मैसेंजर आरएनए की, वो की थी जैकब एंड मोनेट। सो टर्म कॉइन्ड बाय जैकब एंड मोनेट। देन मैसेंजर आरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए इज प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक डीएनए होता है, उसके थ्रू मैसेंजर आरएनए का प्रोडक्शन होता है। देन मैसेंजर आरएनए जो प्रोड्यूस होता है वो एक ही हिट्रोजेनस आरएनए के फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होता है, देन उसको क्या किया जाता है, स्प्लाइस्ड आउट किया जाता है। हेट्रोजेनस आरएनए मींस उसके अंदर कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट प्रेजेंट रहेगा। कोडिंग पार्ट को एक्सॉन बोला जाता है, नॉन कोडिंग पार्ट को इंट्रॉन बोला जाता है। तो इंट्रॉन को वहां से रिमूव करना होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्प्लाइसिंग। तो बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग हेट्रोजेनस आरएनए किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैसेंजर आरएनए के अंदर। देन उसके अंदर कुछ इस तरह की, ये क्या है, लीस्ट स्टेबल आरएनए, लीस्ट स्टेबल आरएनए। सो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, और उन मॉडिफिकेशन को क्या बोला जाता है, एक तो होता है इसमें 5' कैपिंग, मींस इसके ऊपर एक कैप लगाएंगे एंड देन एक टेल लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मैसेंजर आरएनए है ये क्या हो जाएगा, स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो 5' कैपिंग एंड 3' पोली एडीनाइलेशन, ये किया जाता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, ताकि ये क्या क्या हो जाए, स्टेबल फॉर्म में के अंदर आ जाए। और ये एक लीनियर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है, और 5' कैपिंग एंड 3' पॉलीएडीनाइलेशन पे कुछ इस तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर कुछ इस तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती है जिनमें क्या होता है, एक इस तरह की एफिनिटी होती है कि वो एक दूसरे से बाइंड कर सकती है। तो इस तरह से मैसेंजर आरएनए किस फॉर्म में आ जाएगा, एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू मैसेंजर आरएनए क्या हो जाएगा, साइटोसोल के अंदर आ जाएगा। तो मैसेंजर आरएनए के अगर स्ट्रक्चर देखें प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर, तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये एक लीनियर फॉर्म में मैसेंजर आरएनए है, यहाँ पे भी मैसेंजर आरएनए है, यहाँ पे 5' है, ये 3', ये 5' एंड 3'। अब यूकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, ये जो कैपिंग प्रेजेंट होगी ये ओनली यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होगी, एंड यहाँ पे क्या होगा, पॉलीएडीनाइलेशन टेल, मीन्स यहाँ पे एडिनिन एडिनिन इस तरह से प्रेजेंट रहेगा, ये कैप है। अब ये किस मैसेंजर आरएनए की बात हो रही है, जो हेटरोजेनस आरएनए से मैच्योर आरएनए के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। मैच्योर आरएनए मींस उसके अंदर स्प्लाइसिंग हो चुकी है, उसके अंदर कैपिंग हो चुकी है एंड पॉलीएडीनाइलेशन भी हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह की कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है प्रोकैरियोट्स के अंदर भी एंड यूकैरियोट्स के अंदर भी। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है उसको बोला जाता है शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस। तो शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस क्या होती है, ए जी जी ए जी जी यू, इस तरह की कंटिन्यूस कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है, एडिनिन ग्वानिन ग्वानिन एडिनिन ग्वानिन ग्वानिन यूरेसिल। यहाँ पे यूरेसिल है बिकॉज ये क्या है, आरएनए है, और आरएनए के अंदर थायमिन की जगह पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। तो ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है जिसको क्या बोला जाता है,
इसको बोला जाएगा शाइन एल्गार्नो सीक्वेंस, शाइन एल्गार्नो सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस की क्या स्पेसिफिसिटी है, बिकॉज ये आरएनए है और आरएनए को क्या करना है, आगे जाके प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें पता है राइबोसोम आरएनए, राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए को स्कैन करेगा, मैसेंजर आरएनए पे बाइंड होगा। तो वहां पे बाइंडिंग के लिए कुछ ऐसी स्पेसिफिक सीक्वेंस होनी चाहिए जहां पे वो क्या करे, बाइंड होके प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट करे। तो वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है वो उसको बोला जाता है एयूजी। एयूजी क्या है, यहाँ पे स्टार्ट कोडोन। ये कोडोन्स क्या होते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कोडोन्स क्या होते हैं, ये ट्रिपलेट के फॉर्म में ही क्यों प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, स्टार्ट कोडोन। अब इसको इतना यहां से दूर क्यों ड्रॉ किया, बिकॉज ये ही मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स के मैसेंजर आरएनए के अंदर, कि यहाँ पे 3 to 9 न्यूक्लियोटाइड जो स्टार्ट कोडोन्स होते हैं वो शाइन एल्गार्नो सीक्वेंस से 3 to 9 न्यूक्लियोटाइड दूर प्रेजेंट होते हैं थोड़े से। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि जो शाइन एल्गार्नो सीक्वेंस से स्टार्ट कोडोन्स कितना दूर प्रेजेंट होता है, तो 3 to 9 न्यूक्लियोटाइड ये क्या होता है, थोड़ा सा आगे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए है वो क्या है, पॉलीसिस्टोनिक होता है। पॉलीसिस्टोनिक मींस ये प्रोड्यूस कर सकता है, यहाँ पे एक रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगी 5' पे, और उसी रेगुलेटरी सीक्वेंस से ये काफी ज्यादा, एक रेगुलेटरी सीक्वेंस से काफी ज्यादा प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर सकता है। मींस यहाँ पे स्टार्ट कोडोन है, फिर यहाँ पे कुछ स्टॉप कोडोन्स आ जाएंगे, UAA, UAG, UGA। तो ये कुछ स्टॉप कोडोन है। अब स्टॉप कोडोन के बाद यहाँ पे वापस से स्टार्ट कोडोन आ जाएंगे AUG, एंड वापस से क्या हो जाएगा, एक ओपन रीडिंग फ्रेम फॉर्म हो जाएगी। इस पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है, ओपन रीडिंग फ्रेम। तो ये ओपन रीडिंग फ्रेम फर्स्ट, यहाँ पे वापस से ओपन रीडिंग फ्रेम सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है, स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच कंटेन द कोडिंग पार्ट ऑफ द प्रोटीन। तो यहाँ पे ओनली कोडिंग पार्ट प्रेजेंट होगा जिसको बोला जाएगा ओपन रीडिंग फ्रेम, और इसके ऊपर कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगी। तो पॉलीसिस्टोनिक मींस सिस्टोन क्या होता है, सिस्टोन डीएनए का ऐसा पार्ट जो क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए की कैपेसिटी रखता है। तो पॉलीसिस्टोनिक मींस जहां पे मोर देन वन ओपन रीडिंग फ्रेम प्रेजेंट रहेगी। तो ये है प्रोकैरियोट्स के बारे में। अब यूकैरियोट्स के बारे में देखें तो यूकैरियोट्स में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है जिसको बोला जाता है ए जी एन 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 ए यू जी जी। तो ये इस सीक्वेंस को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कोजैक सीक्वेंस। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि स्टार्ट कोडोन जो एयूजी स्टार्ट कोडोन है, स्टार्ट कोडोन यूनिवर्सल है, सबके अंदर एयूजी प्रेजेंट रहता है। कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर, जब हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तब देखेंगे कि क्या क्या एक्सेप्शन है स्टार्ट कोडोन के। तो ये स्टार्ट कोडोन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है, इसमें 3 to 9 न्यूक्लियोटाइड दूर प्रेजेंट होते हैं स्टार्ट कोडोन। इसके अंदर इसी सेम सीक्वेंस के अंदर, रेगुलेटरी सीक्वेंस के अंदर ही क्या होता है, स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट रहते हैं। और ये क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक मींस ओनली वन रेगुलेटरी सीक्वेंस वन जीनोम को, वन प्रोटीन को फॉर्म करेगी। तो यहाँ पे स्टार्ट कोडोन, यहाँ पे स्टॉप कोडोन आ जाएगा यू ए ए यू ए
UAG, UGA, इन तीनों में से कोई भी स्टॉप कोडन हो सकता है। तो ये क्या है? मोनोसिस्टोनिन मीन्स ओनली वन प्रोटीन यहां से प्रेजेंट फॉर्म होगी। ये कोई प्रोटीन है तो एक जीनोम से, एक जो मैसेंजर आरएनए है वहां से एक रेगुलेटरी सीक्वेंस से ओनली वन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यूकैरियोटिक जीनोम काफी बड़ा है, यहाँ पे हर एक प्रोटीन को कोड करने के लिए अलग अलग से यहाँ पे मैसेंजर आरएनए हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो जीनोम होता है वो काफी स्मॉल होता है। तो यहाँ पे हर एक प्रोटीन को कोड करने के लिए अलग से रेगुलेटरी सीक्वेंस नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, ओनली एक रेगुलेटरी सीक्वेंस से काफी सारे प्रोटीन्स को प्रोड्यूस्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पे मोर देन वन प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड हो जाएगी। तो ये कुछ डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए के अंदर, और ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और जब प्रोटीन का सिंथेसिस पढ़ेंगे तब, कि किस तरह से अगर राइबोसोम यहाँ पे आके बाइंड हो रहा है तो वो आके इस ऐसे ही बाइंड नहीं हो जाता, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, वो इस राइबोसोम की जो राइबोसोम का मिलन होगा वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा। राइबोसोम को मिलाने के लिए काफी सारे फैक्टर्स, इनिशिएशन फैक्टर प्रेजेंट होंगे, इनिशिएशन फैक्टर 3 प्रेजेंट होगा, तो उस इनिशिएशन फैक्टर बोलेगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे बाइंड हो जाओ। तो उसको बाइंड करवाने के लिए कुछ फैक्टर्स यहाँ पे आके जुड़ेंगे, कुछ फैक्टर यहाँ से आके रिमूव हो जाएंगे जो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अदरवाइज राइबोसोम को कैसे पता चलेगा कि इसी मैसेंजर आरएनए पे बाइंड होना है? तो राइबोसोम क्या करता है, मैसेंजर आरएनए पे बाइंड होकर प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है, फिर ट्रांसफर आरएनए आएगा अमाइनो एसिड को लेके आएगा। तो वहां पे राइबोसोम जब स्कैनिंग कर रहा होगा तो यहाँ पे कुछ काफी सारे फैक्टर्स का रोल प्ले करेंगे, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर को देखेंगे, देन जेनेटिक कोड के बारे में देखेंगे। तो शाइन डेलगाडो सीक्वेंस एंड कोजैक सीक्वेंस के अलावा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस भी प्रेजेंट रहती है जिसको बोला जाता है IRES सीक्वेंस। ये क्या है? IRES क्या है? इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट, इंटरनल राइबोसोमल एंट्री साइट। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CSI नेट के अंदर और गेट के अंदर भी। तो इंटरनल राइबोसोमल एंट्री साइट क्या है? ये कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, जैसे शाइन डेलगाडो सीक्वेंस लाइक की सीक्वेंस होती है। ये किसकी तरह होती है? शाइन डेलगाडो सीक्वेंस लाइक सीक्वेंस होती है, और ये स्पेसिफिकली प्रेजेंट होती है किसके अंदर? ये कोई वायरस का अगर मैसेंजर आरएनए है उसके अंदर प्रेजेंट होगी, या फिर एडवर्स कंडीशन वाला मैसेंजर आरएनए जैसे हीट शॉक प्रोटीन के अंदर। तो हीट शॉक प्रोटीन को फॉर्म करने वाला जो एडवर्स कंडीशन अगर फॉर्म हो चुकी है सेल के अंदर, तो वहां पे जो मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा वो क्या होगा, उसके अंदर इस तरह की सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगी, एडवर्स कंडीशन मैसेंजर आरएनए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और IRES काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मैसेंजर आरएनए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।